दिल्ली के हौस काजी और बुलबुली खाना के बीच बसा है ये मेरा मोहल्ला बाजार सीताराम। यही मेरा जन्म हुआ। खेल खिलौने और जीवन के रहस्य इन्हीं संकरी गलियों में सीखे। यहाँ आज भी कार के आने जाने का रास्ता नहीं है और हर वक्त ट्रैफिक जैम हो जाता है। बस हो गया ना ट्रैफिक जैम। किसी न किसी वजह से यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जैम ही रहता है। कभी रिक्शा की वजह से, कभी स्कूटर की वजह से, कभी गधों की वजह से, कभी हाथ गाड़ी की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कोई ना कोई ऐसी वजह रहती ही है। फिर अब गाली गलौज होती है, आपस में तू तू मैं होती है, जब तक कि एक पार्टी अपना सर झुकाकर अपनी हार ना मान ले। और अगर आपको बहुत जल्दी हो तो रिक्शा छोड़कर पैदल जाना पड़ता है। रिक्शा वाले ऐसे चलाते हैं यहाँ पर कि लगता है बस अभी गिरे अभी गिरे, यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। पर उन्हें बहुत प्रैक्टिस है, वो किसी ना किसी तरह निकल ही जाते हैं और बाकी काम हमेशा की तरह यहाँ चलता ही रहता है। इस बाजार का नाम सेठ सीताराम के नाम पर पड़ा, जो बहुत दानी पुरुष थे। यहाँ आने जाने का साधन आपने देखा साइकिल रिक्शा ही है और यहाँ सभी कुछ है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के दिल्ली वाले असली दिल्ली वाले हैं। मेरे दादा परदादा सब यहीं के हैं। यहाँ की अपनी संस्कृति है, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, त्योहार, संगीत सब बहुत अनोखा है। जब भी किसी नए व्यक्ति से परिचय होता है, नाम पूछने के बाद दूसरा सवाल ये पूछते हैं, आप कहाँ से हैं? मैं कहती हूँ दिल्ली से। नहीं नहीं नहीं, पर ओरिजिनली कहाँ से हो? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, यूपी से? नहीं बाबा, दिल्ली से, दिल्ली से। हालांकि अगर वो मुझे यूपी से भी समझे तो क्या बुराई, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं और अगर वहाँ अपने जीवन में कभी न भी रहे हो तो वहाँ से एक प्रकार का संबंध होता है, एक गर्व होता है। हाँ भाई, मैं तो वहाँ का हूँ। और कभी कोई अपनी जगह का मिल जाता है तो बहुत अपनी अपनी सी फीलिंग होती है। इसी प्रेरणा, इसी फीलिंग का नतीजा है ये फिल्म। अपनी जगह, अपना मोहल्ला, अपनी कहानी बनाने की एक चाह। पुरानी और नई संस्कृति का अधिक मिश्रण नहीं हो पाया है यहाँ। लोगों ने कारें खरीदी हैं जो बाहर एक जगह पार्क करके रिक्शा से या पैदल अंदर आना पड़ता है। पहले अलग अलग व्यवसायों के लोग एक जगह रहते थे, जैसे व्यापारी एक जगह, मोची एक जगह, सुनार एक मोहल्ले में, वगैरह वगैरह। अब बहुत कुछ वैसा नहीं है, लेकिन ये गली जो है इसका नाम है गली खटीकान। यहाँ अब भी सब खटीक लोग मिलकर रहते हैं। इन लोगों की माली हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। इस छोटी सी जगह में, छोटी सी बिल्डिंग में 600 परिवार रहते हैं। चारों तरफ बदबू और गंदगी है, लेकिन यहाँ के लोगों का एक खास शौक है, कबूतरबाजी। शाम को सब लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं और अपने अपने कबूतर उड़ाते हैं। फिर वापस कबूतरों को अपनी अपनी छतों पर बुलाते हैं। समझो आपने कबूतर उड़ाया और आपके कबूतर दूसरे की छत वाले कबूतर से मिल गए आसमान में, लेकिन वापस आपके कबूतरों को अपनी ही छत पर आना है। और अगर आपका एक कबूतर या दो कबूतर किसी दूसरे की छत पे चला गया तो वो कबूतर उनका हो जाता है, आपको वापस नहीं मिलता। यही इस खेल का मजा है। यहाँ के घरों की बनावट बस निराली ही है। बीच में सरिये का जाल और चारों तरफ कमरे ही कमरे। इस सरिये के जाल से रोशनी रहती है और दरवाजे हमेशा फोल्डिंग होते हैं। और ये हैं पहलवान साहब, जो मालिश करके लोगों का इलाज करते हैं। यही चबूतरे पर इनका क्लिनिक है। लोगों को बहुत विश्वास है इन पे।
यहाँ लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है। जगह जगह हलवाइयों की दुकानें हैं। ये दुकान यहाँ की सबसे पुरानी हलवाई की दुकान है, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। इनके दादा परदादा भी यही दुकान चलाते थे। लोग सुबह का नाश्ता, नगौरी पूरी का नाश्ता यहीं पे करते हैं, घर भी मंगवाते हैं। दिन भर भीड़ जमा रहती है यहाँ। मिठाई की दुकान से सटा हुआ पेशाब घर भी है, यानी सब कुछ एक साथ मिलजुल कर है। चलिए मेरे साथ मेरी छोटी सी दुनिया में, जहाँ मेरे जीवन का मौसम बदलते त्योहारों के साथ साथ बदलता जा रहा है। ये मेरा घर है। मेरे सामने वाला घर राजेश का है। राजेश और मैं बचपन से एक दूसरे के घर आते जाते थे। यहाँ पर घर भी तो ऐसे हैं कि बाहर हाथ निकालो तो एक दूसरे को छू लो। विश्वकर्मा की पूजा नए साल की पूजा होती है। इसमें औजारों की पूजा करते हैं जिससे साल भर काम काज अच्छी तरह से चलता रहे। हम लोग साथ साथ पतंगे भी उड़ाते थे। Thank you.
एक दिन कुछ हो गया, नया सा, नया अजब सा था पर अच्छा सा था। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, देख रही हो चांद को और देख मुझे रही हो। नाना यू करवट मत लेना उस ओर, चंदा हिल जाएगा। देख रहा था वो मुझे, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बहुत घबरा गई।
हमेशा होली पर हम सब मिलकर होली खेलते थे, पर आज बात कुछ और ही थी। उसका छेड़ना मेरे मन में गुदगुदी कर रहा था। क्या हो रहा है मुझे? मन करता है इस रंग को धोऊं ही नहीं, इसी तरह रंगी रहूं इन रंगों में। करवा चौथ की पूजा में जब मैं मेहंदी लगवा रही थी, वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उस रात एक और चिट्ठी फेंकी। मेहंदी लगा के यूं इतराओ ना, यूं ही बहानों से आओ जाओ ना। ढलक गई चुनरी अब क्या करोगी, चाची से अब उसको उठवाओ ना। मेहंदी लगा के यूं इतराओ ना, यूं ही बहानों से आओ जाओ ना। ढलक गई चुनरी अब क्या करोगी, चाची से अब उसको उठवाओ ना। अहोई माता की पूजा बच्चों के कल्याण के लिए की जाती है। पूजा में काम करते वक्त वो बस मुझे ही देखता रहता था। Yeah.
फिर एक चिट्ठी। चंदा सी बिंदी के दो नयन प्रहरी तकते हैं इधर उधर, कौन रहा देख। नयन बसा मैं तो बस चुपके चुपके, चढ़ आया नयन रहा चंदाल पे। फिर दिवाली आई, पर दिवाली पर कुछ अनचाहा हुआ। हाँ, जमा कराने
मैं बहुत रोई। मेरे तन मन को उसके प्यार ने आघात पहुंचाया। अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं गुस्सा थी, बहुत बुलाया उसने, बहुत मनाया भी, पर मैं नहीं मानी। नहीं 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 आऊंगी मैं। उसने मुझसे माफी मांगी, बहुत मनाया। और मैं बुद्धू मान गई। और फिर एक दिन उसके माँ बाप ने उसे कुछ लड़कियों के फोटो दिखाने चाहे ब्याह के लिए। बहुत दहेज दे रहे थे वो लोग, पर वो नहीं माना। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप एक जगह उसकी शादी पक्की करना चाहते हैं, अच्छे दहेज पर। हमारे यहाँ लड़कों को बेचते हैं बहुत अच्छी कीमत पर। उसने कहा हम भाग चलेंगे कहीं और ब्याह करेंगे, पर मैं नहीं मानी।
धीरे धीरे मैं मान गई। मैंने सामान बांधा और मोहल्ले से बाहर चलने लगी। दिल धक धक कर रहा था। माँ बाप क्या कहेंगे? कैसा असुरक्षित जीवन होगा बाहर? क्या उसका प्यार मेरी सुरक्षा कर सकेगा इस पागल सी दुनिया में? मैं चलती गई, आगे बढ़ती गई। बहुत डर था मन में। उस सुनसान रात को मैं अकेली खड़ी उसका इंतजार करती रही, उसका विश्वास करती रही। अजीब अजीब से ख्याल मन में आते थे। अकेले खड़े रहने का डर नहीं था, उसके न आने का डर था। मैं इंतजार करती रही, डरती रही, मरती रही, पर वो नहीं आया। अब किस मुंह से घर जाऊं? कहीं भाग जाऊं अकेले, मर जाऊं? जिस दुनिया में ऐसे शख्स रहते हैं वहां मुझे नहीं रहना। पर मैं वापस घर की तरफ मुड़ गई। मेरे संस्कार, मेरे परिवार के स्नेह ने मेरे कदम वापस घर की तरफ लौटा दिए। बाहरी दुनिया के थपेड़ों से मेरे घर के थपेड़े अच्छे ना। मुंह अंधेरे, मुंह छुपाकर घर वापस आ गई। उसकी मंगनी हो रही थी, चुपचाप देखती रही। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। बदलती दुनिया के साथ साथ सब बदल रहा है, पर संस्कार कभी नहीं बदलते। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ या तो फलता फूलता है या नष्ट हो जाता है। मेरी जड़ें यही हैं। सैकड़ों बदलते राजेश मेरी जड़ें नहीं हिला सकते। मेरे सुंदर मोहल्ले में भी सब कुछ बदल रहा है। सुंदर पुराने घरों को तोड़कर नए घर बनने लगे हैं। घरों को बेचकर लोग शहर जाने लगे हैं। सदियों से जहां लोग रहते थे वहां अब गोदाम बनने लगे। कहीं प्रेस ऑफिस तो कुछ बस बंद पड़े। अब इस मधुर संगीत की आवाज इस मोहल्ले में नहीं गूंजती। अधमने ढंग से त्योहार मनाए जाते हैं। पुराने खूबसूरत गानों की जगह
फिल्म संगीत ने ले लिया। पर जीवन का सौंदर्य तो नष्ट नहीं होता, फूल तो कांटे समेत ही अच्छे लगते हैं। मैं कांटे समेत ही हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी, रोऊंगी, पर जीऊंगी।